देखो, बदमाशों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला। यहाँ दिन दहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। बदमाशों ने इस बार बीएसपी नेता के घर को अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि जिस समय लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त बसपा नेता की पत्नी घर पर अकेले मौजूद थी। मेरी जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने महिला को इंजेक्शन लगाकर रस्सी से बांध दिया और लाखों का माल लेकर फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने नेता की पत्नी को अस्पताल पहुंचाया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी बताया जा रहा है कि अब जो बदमाश है वो इतने भाई खूफ है कि ना तो वो ये देखते हैं कि किसके घर में डाका डालना है, जो मंत्री है वो सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दें गाजियाबाद की स्थिति वो हो गई है कि बदमाश खुलेआम आते हैं और तमाम वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये जो ताजा मामला आया है बीएसपी के नेता के घर में, बदमाश आते हैं और उसकी जो वाइफ है उसको सिरिंज लगाते हैं और जब वो बेहोश हो जाती है तो पूरे घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। तो ना सिर्फ गाजियाबाद बल्कि गाजियाबाद के आसपास के इलाके में तमाम वारदातें हो रही हैं। खुलेआम कहीं तो गनशॉट हो रहा है, कहीं लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कहीं चेन झपटमारी हो रही है, महिला भी सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस तमाम दावे कर रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चाकचौबंद कर दी गई, लेकिन ये जो वाक्य हुआ है दिन दहाड़े इतने साफ हो गया है कि पुलिस कहीं ना कहीं ढील बरत रही है और इस तरीके की वारदातें अब आम होती जा रही है गाजियाबाद में। गाजियाबाद की व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बिल्कुल चाकचौबंद नहीं है, पूरी तरीके से गाजियाबाद की पुलिस व्यवस्था फेल हो चुकी है और गाजियाबाद का पुलिस का वही राग आलापना की पूरी तरीके से व्यवस्था है। अगर व्यवस्था है तो इस तरीके की वारदात जो हुई है दिन दहाड़े वो बिल्कुल भी ना होती। तो इससे साफ हो गया है कि पुलिस पूरी तरीके से फेल है और जो वारदात हुई है इससे ये साफ है कि अब गाजियाबाद में घर के अंदर रह रही महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा बदमाशों का? देखिए, अब पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कह रहा था कि वहां के जो घर है, घर के बाहर जो लगे सीसीटीवी है उनको खंगाला जा रहा है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी कोई भी ऐसा सुराग नहीं लगा जिनसे बदमाशों की शिनाख्त हो सके, यानी फिलहाल बदमाशों की अभी शिनाख्त में नहीं हुई है। पुलिस राह गरा रही है कि बदमाशों को जल्दी गिरफ्तार कर दिया जाएगा। सीसीटीवी में ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया कि बदमाश जा रहे हैं, बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी का कोई भी एंगल खंगाला गया है, उसमें किसी भी एंगल में ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आ रही है। इससे साफ हो गया कि पुलिस अपनी बात कर रही है कि सीसीटीवी के एंगल खंगाले जाएंगे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली है और बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। बिल्कुल, यानी बदमाश जो है वो बेखौफ है। आप बने रहिए जितेंद्र मेरे साथ, इस बीच हम दर्शकों को अगली खबर से रूबरू कराते हैं, वो भी गाजियाबाद से है। दरअसल यहाँ करेड़ा रोड पर